दिन गुरुवार को प्रधानों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने जिला अधिकारी भदोही को पत्रक देते हुए मांग किया कि भदोही के साथ पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में जांच के नाम पर प्रधानों का भारी उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन अपने रवैये पर अंकुश नहीं लगाता तो जिला प्रशासन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गोपाल उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश शासन व जिला अधिकारी भदोही से मांग करते हुए कहा कि जांच के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। प्रधानों के कार्यों की जांच के लिए कम से कम 21 लोगों के शपथ पत्र पर ही जांच कराई जाए और शिकायत गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। ग्राम सभाओं में कार्य करने वाले जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और शिक्षक की नियुक्ति प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ग्राम सभा में अनिवार्य किया जाए। प्रदेश में प्रधानों की हत्या को देखते हुए प्रधानों को तथा उनके परिवारों के आत्म सुरक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। जिले के सभी विभागों में प्रधानों को ससम्मान बातें सुनी जाएं, आदि मांगे जिला अधिकारी भदोही से की गईं। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा ने जिला अधिकारी भदोही से कहा कि जांच के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न कर शासन प्रधानों के अधिकारों पर डाका डाल रही है और जिला प्रशासन प्रधानों से द्वेषपूर्ण कार्य कर रही है। जिले के सभी प्रधान साथी जिला प्रशासन के कार्यों के विरुद्ध आमरण अनशन करने के लिए कमर कस चुके हैं। किसी भी दिन हम लोग जिला कलेक्ट्रेट आमरण अनशन शुरू कर सकते हैं। पत्रक देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष जगदम्बा शुक्ला, रमेश यादव, पवन सिंह, अनिल दुबे, चंद्रशेखर यादव, डॉक्टर अजीत सिंह तथा श्रीराम दुबे व नित्यानंद और अजीत यादव पप्पी आदि लोग रहे हैं।